भजन करते हुए नारद जी जा रहे हैं, लेकिन मार्ग में सोचा कि वैकुंठ ही चले चले, रोका नहीं गया, मन को रोक नहीं पाए, वैकुंठ गए। वैकुंठ में भगवान बैठे हैं लक्ष्मी माता के संग। गए और भगवान को प्रणाम किया, और भगवान ने जो नारद जी को देखा तो हर्ष मिले उठी रमा निकेता। भगवान उठकर मिले, मानो नारद जी प्रणाम करने के लिए झुके, अरे ये क्या करते, उठे मिले। हर्ष मिले उठी रमा निकेता, और नारद जी प्रणाम करके बैठने लगे जमीन पर, तो भगवान ने नहीं नहीं वहां नहीं, अपने बगल में ही बिठाया। बैठे आसन ऋषि ही समेता। नारद जी ने सोचा भगवान भी जान गए हैं कि पुराने वाले नारद नहीं रहे, अब इनको प्रणाम की आवश्यकता नहीं, अब तो ये हमारी बराबरी के हैं और बराबरी वाले तो मिलते हैं और एक आसन पर बैठते हैं। भगवान ने कहा नारद जी बहुत दिनन कीनी मुनि दाया, बहुत दिनों में दया की। विनोद यह था कि पहले तो दर्शन करने आते थे, अब तो दया ही करने आए हो गए। महाराज कहाँ रहे? अरे कुछ ना पूछो, समाधि लग गई। तो समाधि भंग नहीं हुई? अरे सर्दी गर्मी धूप में भी नहीं? अरे महाराज इनकी कौन कहे, कामदेव आया, बड़ी चेष्टा की पर मेरी समाधि भंग ना कर सका। और मैंने तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, आदि बातें ऐसी करने लगे। भगवान ने फिर एक और विनोद किया, नारद जी तुमरे सुमिरन ते मिटहि मोह मार मदमान, आपके स्मरण से ये कामादिक विकार नष्ट होंगे। नारद जी बड़े खुश कि पहले भगवान के स्मरण से मिटते थे, अब हमारे स्मरण से मिटेंगे। आज्ञा ली, गए। लक्ष्मी माता ने कहा प्रभु आपने तो इनका भ्रम और बढ़ा दिया, इनका अभिमान और बढ़ा दिया, पहले ही कम अभिमान नहीं था इन्हें। भगवान ने कहा जरूरी था। कैसे? कभी कभी रोग का बढ़ाना भी जरूरी रहता है। रोग, हाँ इसका भी बढ़ाना जरूरी है। कैसे? मान लो कोई व्यक्ति गया डॉक्टर साहब के पास, डॉक्टर साहब देखिए ये फोड़ा हो गया है, क्या करें इस फोड़े का? तो डॉक्टर कहता है कि काम करो, हम जो तुम्हें दवा दे रहे हैं उस दवा को खा लेना तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा। ठीक है डॉक्टर साहब। अब डॉक्टर ने दवा दी, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो दवा ले लेना ही पर्याप्त समझते हैं, सेवन नहीं। तो डॉक्टर ने दवा तो दी पर मरीज ने उस दवा का सेवन नहीं किया। अच्छा सेवन नहीं किया तो फोड़ा बैठेगा? फोड़ा बैठा तो नहीं और बढ़ गया? तो तीन चार दिन के बाद किसी दूसरे डॉक्टर के पास गए, उसी के पास जाएंगे तो डांटेगा, डॉक्टर साहब देखिए ये फोड़ा तो बढ़ता ही जा रहा है, तो कब उठा था ये? डॉक्टर पांच छह दिन हो गए डॉक्टर साहब। तो किसी डॉक्टर के पास गए थे? हाँ गए थे, उन्होंने दवा दी थी? हाँ दी थी। कहा था कि इस दवा का सेवन कर लेना तो ये फोड़ा यहीं बैठ जाएगा? कहा था। तो दवा खाई? नहीं खाई। अब कहो तो खा ले? डॉक्टर ने कहा अब ये नहीं बैठेगा, उसका समय गया दवा खाने का। तो डॉक्टर साहब अब क्या होगा? अब तो इसका ऑपरेशन करना पड़ेगा।
तो डॉक्टर साहब ऑपरेशन ही कर दो। कहा कि बैठने लायक अभी रहा नहीं है और ऑपरेशन लायक अभी हुआ नहीं है, तो इसको अभी और बढ़ने दो, आना कुछ दिनों बाद। तो उसने बढ़ाया, बस यही था। नारद जी के मन में अभिमान का फोड़ा बैठ गया था। पहले डॉक्टर शंकर जी की उपदेश की दी हुई गोली अगर ये खा लेते तो फोड़ा बढ़ता का एक वहीं नहीं बैठ जाता, लेकिन इन्होंने वो गोली खाई तो नहीं। तो दूसरे डॉक्टर विष्णु भगवान, इन्होंने क्या किया, कहा कि बगल में बिठाया और प्रणाम नहीं करने दिया, तारीफें की और ये फोड़ा जब बढ़ा दिया तो लक्ष्मी माता से कहा अब ऑपरेशन लायक हो गया है, तो ऑपरेशन थिएटर में तैयारियां करें। नारद जी जा रहे थे तभी भगवान की माया का ऐसा चमत्कार, जहां कुछ नहीं था वहां सब कुछ बना दिया। बिरचे मगमह नगर ते ही सत योजन विस्तार, सौ योजन बड़ा नगर। ये कैसे, माया के प्रभाव से ही। माया का प्रभाव ऐसा, जो माया सब जगही नचावा, ये माया सबको नचाती है। ये माया तेरी बहुत कठिन है रा, ये माया तेरी बहुत कठिन है रा, ये माया तेरी बहुत कठिन है रा, हे माया तेरी बहुत कठिन।